एवरीवन, आज हम क्लास सेवन्थ की बुक रीड करेंगे, इंग्लिश की बुक रीड करेंगे, जिसमें लेसन टू, आई एम बोर्न, जब मैं पैदा हुई थी। आई वॉज बोर्न एट पुलंदर स्टोन इन सफलोक्स, माई फादर हैड डेड 6 मंथ बिफोर आई वॉज बोर्न, जब मैं पैदा हुई थी उसके 6 मंथ पहले ही माई फादर हैज डेड। अवर हाउस वॉज कॉल्ड द रोकरी बट देयर वर नो रुक्स अबाउट, हमारे घर को क्या बोला जाता था, रुकरी यानी कौओं का घर, कव्वे होते हैं ना, रुकरी यानी कौओं का घर। देयर वर नो रुक्स अबाउट, लेकिन वहाँ पर कोई भी कौवा नहीं था। इन द इवनिंग, एक शाम को, माई मदर एंड आई वुड सिट बाई द फायर साइड इन द वॉर्म ब्राइट लिविंग रूम, एक शाम को मैं और मेरी मदर हम लिविंग रूम में बैठे हुए थे खुद को गर्म रखने के लिए फायर जलाकर। आई वुड समटाइम्स थिंक ऑफ माई फादर्स वाइट ग्रेवस्टोन इन द कोल्ड डार्क चर्चयार्ड एंड फील वेरी सैड फॉर हिम कुछ टाइम से हम ये सोच रहे थे जो उसके पिताजी की समाधि बनी हुई थी वो कैसी हो गई थी, ठंड डार्क खंदी सी ऐसी समाधि दिख रही थी। माई ग्रेट आंट मिस बिटसेट रूटवुड, जो मेरी ग्रेट आंट थी मिस बिटसेट रूटवुड, वॉज द ओनली पर्सन अलाइव ऑन माई फादर्स साइड ऑफ द फैमिली, जो फादर की जो फैमिली साइड से, उधर से फादर की जो फैमिली थी उनकी साइड से बस सिर्फ ग्रेट आंट ही अलाइव थे। शी लिव्ड अलोन इन अ कॉटेज इन अ स्मॉल विलेज ऑन द सी कोस्ट, और वो कहाँ रहती थी, कॉटेज में, स्मॉल विलेज, विलेज में एक कॉटेज बनाकर समुद्र के किनारे रहती थी। माई फादर वॉज वंस हर फेवरेट नेफ्यू, मेरे पिताजी उनके फेवरेट नेफ्यू यानी भतीजे थे, बट नॉट आफ्टर ही गॉट मैरिड, लेकिन जब उनने शादी कर ली, किसने, फादर ने, शी वॉज एंग्री बिकॉज ही हैड मैरिड अ वेरी यंग वुमेन, वो गुस्सा हो गई थी क्यों, क्योंकि उन्होंने एक यंग वुमेन से मैरिड कर ली थी। माई फादर नेवर सा हिज आंट बिट्से अगेन, मेरे पिताजी ने फिर बिट्से को अगेन नहीं देखा, उन्होंने आंट को फिर से कभी दोबारा नहीं देखा। अ ईयर आफ्टर द मैरिज माई फादर डेड, फिर कुछ समय बाद मैरिज हो की शादी के कुछ साल बाद माई फादर हैज डेड हो जाती है। वन इवनिंग बिफोर आई वॉज बोर्न माई मदर वॉज सिटिंग बाई द फायर साइड, एक शाम को मेरा जन्म होता है, शी लुकड अप एंड सा स्ट्रेंज लेडी कमिंग अप द गार्डन पाथ, लेकिन एक स्ट्रेंज लेडी आती है, शी लुकड अप एंड सा ए स्ट्रेंज लेडी कमिंग अप द गार्डन पाथ, गार्डन के रास्ते से एक स्ट्रेंज अजनबी लेडीज आती हैं। माई फादर्स नेवर सा हिज आंट बिट्से अगेन, मेरे पिताजी ने कभी भी उनको, सॉरी, अ स्ट्रेंज लेडी कमिंग अप द गार्डन पाथ, शी एट वंस न्यू दैट इट वॉज मिस बिट्से ट्रूटवर्ड एज शी हैड हियर्ड अबाउट हर फ्रॉम माई फादर, मैंने अपने पिताजी से मिस बिट्से के बारे में सुन रखा था। मिस ट्रूटवर्ड हेल्ड हर सेल्फ वेरी स्ट्रेट एज शी वॉकड अप टू द हाउस विद अ वेरी सीरियस फेस, वो बहुत स्ट्रेट थी और वो चलते हुए सीरियस फेस बनाते हुए आई। इंस्टेड ऑफ रिंगिंग द डोरबेल, और डोरबेल को जोर जोर से बजाने लगी, शी लुक्ड थ्रू द विंडो प्रेसिंग हर नोज अगेंस्ट द ग्लास, और विंडो में से देखने लगी। माई पुअर मदर वॉज वेरी फ्राइटेंड, मेरी माताजी डर गई थी एट दिस स्ट्रेंज बिहेवियर, ऐसे स्ट्रेंजर्स के बिहेवियर को देखकर। शी गॉट अप फ्रॉम हर चेयर वंस एंड स्टूड बिहाइंड इट, और चेयर के पीछे जाकर बैठ गई। मिस बिट्से ऑर्डर हर टू लेट हर इन एंड माई मदर वेंट टू द डोर, मिस बिट्से बार बार उनको गेट खोलने के लिए बोल रही थी और फिर माई मदर ने गेट खोला। मिस्टर डेविड कॉपरफील्ड आई थिंक शी सैड, मिस्टर डेविड कॉपरफील्ड, वो बोलती है, मुझे लगता है मिस्टर डेविड कॉपरफील्ड आप मुझे सुन रहे हैं, यू हैव हियर्ड ऑफ मिस ट्रूटवुड, ट्रूटवुड ने ऐसा बोला। आई एम श्योर, यस प्लीज कम इन सेड माई मदर, तो वो बोलती है यस आ जाइए अंदर। टेक ऑफ यूर कैप, वह अपनी कैप उतारती, टेक ऑफ यूर कैप, वह चाइल्ड की कैप उतारती है, सेड मिस बिट्से कि चाइल्ड की कैप उतारो एंड लेट मी सी यू, और मुझे देखने दो, जो छोटा बच्चा था उसकी कैप उतारो और मुझे देखने दो। माई मदर ओबे एंड अस शी डिड सो हर थिक ब्यूटीफुल हेयर फॉल ऑल अबाउट हर फेस, वाई ब्लेस माई हार्ट एक्सक्लेमेड मिस बिट्से, यू आर जस्ट अ बेबी,
तुम अभी बच्ची हो. माय मदर लुक्ड वेरी यंग फॉर हर एज. शी हंग हर हेड अस थ्रो इट वॉज हर फॉल्ट एंड बिगन टू क्राई. माय मदर लुक्ड वेरी यंग फॉर हर एज. जब वो यंग थी तो उनका काफ़ी यंग थी. लुक्ड वेरी यंग. शी हंग हर हेड अस थ्रो इट वॉज हर फॉल्ट एंड बिगन टू क्राई. फिर से वो चिल्लाती है. शी थॉट सी फॉल्ट फेल्ट आंट टच हर हेयर विथ अ जेंटल हैंड. और वो जो आंट होती है वो बच्चे के सर में अच्छे से हाथ फैलाती हाथ सहलाती है. वेन शी लुकड अप मिस बिट से वो सिटेड विथ हर लेग्स स्ट्रेच आउट एंड लुकिंग एट द फायर. और क्या होती है मिस बिट से क्रॉस लेग मतलब अच्छे से बैठ जाती है लेग स्ट्रेच करके एंड लुकिंग एट द फायर और फायर की तरफ देखती है. वॉट डू यू कॉल यूअर गर्ल. What do you call your girl? तुम इस गर्ल को क्या बुलाती हो. I don't mean that. मुझे नहीं पता. Said my aunt pointing at my mother. I mean your servant girl. क्या है तुम्हारी servant girl थे पिगोटी. Said my mother. उसका नाम पूछा तो बोले पिगोटी. पिगोटी replied my aunt. How on earth did she get such a name? कैसे कोई पृथ्वी पर ऐसा नाम रख सकता. It's her surname, madam, said my mother. ये इसका surname है. Pigotty, could you fetch your mistress some tea? क्या तुम कुछ चाय ला सकती हो. Cried Miss Betsy going to the डोर. मिस बिट से डोर की तरफ जाते हुए ऐसा बोलती. इज नॉट वेल हरी. मुझे जल्दी नहीं है. यू आर स्पीकिंग अबाउट द चाइल्ड बींग अ गर्ल. वो बोलती है यह चाइल्ड गर्ल है. सेड मिस बिट से आई हैव नो डाउट इट विल बी अ गर्ल नाउ चाइल्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ दिस गर्ल. जब इसका जन्म हुआ था इस गर्ल का परहैप्स बॉय. मुझे लगा था कि ये बॉय शायद बॉय होगा. माय मदर सेड. मेरी मम्मी माम ने ऐसा कहा. आई टेल यू इट विल बी अ गर्ल. लेकिन यह गर्ल है. रिटर्न मिस बिट से. फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ दिस गर्ल आई एम गोइंग. रिटर्न मिस बिट से. मिस बिट से बोलती है फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ दिस गर्ल. जब इस गर्ल का बर्थ हुआ था. आई एम गोइंग टू बी हर फ्रेंड. मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गई हुई थी. आई वॉन्ट टू बी हर गुड मदर. यू शुड कॉल हर बिट से ट्रूटवर्ड कॉपरफील्ड एंड शी शुड बी वेल ब्राउट अप. कैन यू कीप अकाउंट एंड टेक केयर ऑफ अ हाउस. तो वो बोलती है क्या तुम मेरे जो वो बोलती कॉपरफील्ड को जो बिट से ट्रूटवर्ड उनको बोलती है उसकी माता जी को क्या तुम मेरे इसमें अकाउंट को देख सकती हो और टेक केयर कर सकती हो हाउस की. यस आई कैन. तो बोलती है यस मैं कर सकती हूँ. नॉट मच इतने अच्छे से नहीं बट मिस्टर कॉपरफील्ड वॉज टीचिंग मी. लेकिन मिस्टर कॉपरफील्ड ने मुझे सिखाया था. एंड माई मदर ब्रोकन डाउन. और एकदम से वो रोने लगती है. नो नो डोंट क्राई एनी मोर. अब ज़्यादा रोने की प्रॉब्लम नहीं है. सेड मिस बिट से. यू ऑल मेक यूर सेल्फ इल एंड दैट ऑल बी बेड फॉर यू एंड द बेबी. यू मजेंट डू दैट द क्वेटन माई मदर्स. वॉट हैज़ यूअर हस्बैंड लेफ्ट फॉर यू. वह बोलती है तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें कहाँ क्यों छोड़कर गए. आस्क्ड मिस बिट से अ शॉर्ट वाइल लेटर. मिस्टर कॉपरफील्ड लेफ्ट मी एन इनकम ऑफ 105 pounds a year. पूरे साल की इतनी इनकम छोड़कर गए हैं. मैडम सेड माई पिगोटी कम इन विथ द टी. पिगोटी टी लेकर आ जाती है. शी सा हाउ इल माई मदर. लुक एंड सेंड फॉर द डॉक्टर एट वंस. वेन मिस्टर चिलीप द डॉक्टर एंड पिगोटी टुक माई मदर अप स्टेयर टू हर रूम. मिस बिट से सेट इन द लिविंग रूम वेटिंग. जो डॉक्टर आता है किसको देखने के लिए. उसकी मदर की तबीयत खराब हो जाती है. मिस्टर चिलीप डॉक्टर का नाम. वो उसकी मदर को देखने के लिए आता है. अवर पास जब मिस्टर चिलीप के बहुत सारा टाइम निकल जाता है. फिर मिस्टर चिलीप कम डाउन स्टेयर्स. वो नीचे उतर के ही सा मिस बिट से वॉकिंग अप एंड डाउन द रूम. वेल डॉक्टर हाउ इज शी. मिस बिट से पूछती है कि अब वह कैसी है. आज द आंट बिट से. मिस्टर कॉपरफील्ड इज क्वाइट अस कम्फर्टेबल एज वी कैन एक्सेप्ट अ यंग मदर टू बी. वह अच्छी है. वो खुद को अपने आप को ऐसे एक्सेप्ट करती है कि मैं एक यंग मदर हूँ. यू ऑल सून able to see her and she how is she said aunt bit se. Mr. Chilip did not seem to understand. The baby said my aunt how is she. Madam returned Mr. Chilip I thought you know it's a boy. My aunt did not say a word. She put in her bonnet and walked straight out of the house. She never come back again.
वह बोलते हैं मिट्स बिट से कि मुझे लगा था कि ये बॉय होगा लेकिन यह एक गर्ल है। एंड दैट वॉज हाउ आई डेविड कॉपरफील्ड वॉज बॉर्न। मुझे लगा था कि डेविड कॉपरफील्ड का बॉर्न होगा, जन्म होगा। सो स्टोरी इज कंप्लीटेड। थैंक यू।